हेलो फ्रेंड्स, वेलकम. न्यू डे, न्यू व्लॉग. आज वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पर. इट्स लाइक 82 फ़ारेनहाइट. मैं और अरशान आज क्या करने आए हैं? फिशिंग. तो यहाँ पर एक पास में एक पॉन्ड है जहाँ पर आप फिशिंग कर सकते हो. और चिल्ड्रन को जनरली यहाँ पर किसी तरीके का परमिट नहीं चाहिए होता. जनरली आपको एक परमिट की रिक्वायरमेंट होती है एज़ पर लोकल लॉज. अरशान अभी छोटा है, 14 साल से, तो वो फिशिंग कर सकता है. ये सब ले आया है वो अपने टूल्स उठा के फिशिंग रॉड के साथ. पॉन्ड है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको. भी डिफरेंट टाइप की फिशेज हैं, देखते हैं आज. ये है वो पॉन्ड मैं जिसके बारे में बता रहा था, छोटा सा ब्रिज. यहाँ जनरली लोग वॉक करने आते हैं शाम के टाइम या दिन के टाइम जब उनका मन करे. और ओपन टू पब्लिक है ये. ये हमारे पुराने अपार्टमेंट के पास है ये पॉन्ड बेसिकली. बहुत शानदार है. अभी तो ट्रीज़ पर बिल्कुल लीफ नहीं है क्योंकि स्प्रिंग अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है. थोड़ा टाइम बाद ये भी हरे घने पेड़ बन जाएंगे. चलिए आगे दिखाता हूँ आपको मैं. और ये हमारे अरशान उस्ताद रेडी हैं अब फिशिंग करने के लिए. अपना बेट फेंको, बेट लगाओ अरशान. देखते हैं आज क्या कैच आता है. या हर बार की तरह हम खाली हाथ जाएंगे, बट लेट सी. और ये अरशान के पास है एक नकली फिश जिसको देख करके दूसरी फिशेस अट्रैक्ट होनी चाहिए और उनका खाने का मन करेगा इस प्लास्टिक की मच्छी को. लेट्स सी. तो ये अब हमने मच्छी पकड़ ली है, नकली मच्छी बिल्कुल. अगर आपको दिखाऊं तो ओरिजिनल जैसी लगेगी दिखने में. इसको हुक करते हैं. बहुत शार्प होता है ये काम, बट अपने को बहुत ध्यान से करना है. हाउ? ओके, छोटी सी पिन है इसके अंदर, बिल्कुल धागे में सुई पिरोने की तरह. तो देखते हैं ये अपने से लग पाएगी कि नहीं. एक बारी लग गई तो लग जाएगी आराम से, हमारी भी और मछलियों की भी. और हमारी बेट अटैच. और ये पहली बार अरशान ने इसमें फेंक दिया है. और अरशान भाई अब इसको रख के साइड हो गए हैं. फिशिंग एक जनरली बहुत पेशेंस का गेम है और आपको बहुत पेशेंस चाहिए इस काम के लिए. पता नहीं मछली को भूख है कि नहीं आपकी बेट खाने की, बट हम एक बार को कोशिश कर सकते हैं अगर कुछ पकड़ा जाएगा कि नहीं, देखते हैं. बाकी अगर मैं आपको पॉन्ड दिखाऊँ तो इसमें बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएचर्स भी हैं. कई बारी तो मैंने इसमें टॉर्टोइज भी देखे हैं घूमते हुए. और फिशेस तो इसमें 5 या 6 तरीके की हैं. आप इसको जनरली ऐसा कर सकते हो कि अगर एक बार आपने फ़िश पकड़ ली तो कैच एंड रिलीज़ कर सकते हो, कैच एंड ईट कर सकते हो. डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आप फ़िशिंग कर रहे हो ईयर के, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कैच एंड ईट अलाउड होता है. बट आई थिंक अभी के हिसाब से कैच एंड रिलीज़ होना चाहिए. तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारी बेट तो ये पड़ी और इसमें अगर कुछ फंसने की गारंटी मुझे एक पैसे की नहीं है, बट स्टिल देख सकते हैं अगर कुछ आता है कि नहीं आता है. एक बार फिर से ट्राई करते हैं. अटेम्प्ट नंबर 2. थोड़ा सा दूर गया है बेट और ये रख दिया गया है फिर से. और हम इस इंतज़ार में हैं कि कुछ पकड़ा जाएगा. मुझे पर्सनली एक पैसे की उम्मीद नहीं है कि कुछ पकड़ा जाएगा, बट अरशान थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है आज. इसको लगता है कि हाँ शायद हम कुछ पकड़ पाएंगे. देखते हैं, कुछ मिलता तो मैं आपको ज्वाइन बैक करता हूँ. और एक नई लोकेशन पे आए हैं हमारे इम्पेशेंट फिशरमैन. और ये फंस गई इसकी फिश की बेट. ना तो अब बेट आएगी ना आएगी फिश. भैया ध्यान से रहना, बिल्कुल किनारे पे हो. और पहली बार में टच हुआ कुछ स्पाइक. लेट्स सी, फिशरमैन के हाथ में लग गया है कुछ, कांटा लगा काइंड ऑफ. लग नहीं रहा अरशान कि तुम कुछ पकड़ पाओगे. कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. एक मछली पानी में छपाक. नहीं तो बहुत तेज आया. अटेम्प्ट नंबर 3 की शुरुआत अरशान ने कर दी है और खाली हाथ वापस आ चुके हैं 2 बार. मुझे लग नहीं रहा अरशान आज यहाँ पे फिशिंग हो पाएगी भाई. तो
एनीवेज मुझे लगता है किसी और दिन हमें ट्राई करना चाहिए। डस्क ऑलरेडी हो चुका है और भाई ट्राई पे ट्राई कर रहा है, और लेट्स सी, अब बोल रहा है हम पुलिया के ऊपर जाके करेंगे, तो चलो पुल पे भी चल के एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स सी। फिशिंग एक एडवेंचरस गेम ज़रूर है, लेकिन पेशेंस बहुत चाहिए इस काम में, क्योंकि अगेन नॉट ईजी कि फिश आज ही मिल जाएगी, आपने सोचा पकड़ने की और आज ही पकड़ लोगे, कई बार ही मिलती है कई बार नहीं मिलती है। हर्षान आई थिंक हम वहाँ फिशिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे कॉशन का टेप लगा है, आ जाओ हर्षान उसको निकाल लो वहाँ से, आओ उसके ऊपर से ट्राई करते हैं, ब्रिज के ऊपर से एक बार ही करना, तो आ जाओ। या कम लेट्स ट्राई इट फ्रॉम द ब्रिज, चलो आपको ब्रिज के ऊपर लेके चलते हैं एक बारी, देखते हैं वहाँ भी हमारा लक काम करेगा या नहीं काम करेगा। उम्मीद वैसे मुझे आज है नहीं, बट ट्राई कराने में इसको क्या जाता है। एक्साइटेड बहुत है बेचारा, बट फिश नहीं पकड़ी जा रही इससे आज। ओके एक और फिशरमैन अपना आज का लक आजमाते हुए, आप देख सकते हैं कैमरा जूम करके दिखाऊं तो, कर रहे हैं भाई फिशिंग। और अरशान ने अपनी बेट फेंक दी है। ये नज़ारे इतने खूबसूरत लगते हैं, स्पेशली फॉल के टाइम पे, कलरफुल फ्लावर्स, पेड़ के पत्ते सब होते हैं यहाँ। अभी तो बिल्कुल ब्लैंक लग रहा है, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, तो दिखा सकता हूँ मैं आपको, किसी और की भी लगता है बेट फंसी हुई है यहाँ पे। चलिए एक से भले दो, दोनों लोग ट्राई करेंगे। पीछे वाले अंकल ने बोला मैंने एक छोटी सी पकड़ी है, तो अरशान भी थोड़ा सा अब मोटिवेटेड दिख रहा है मुझे, इसकी बेट गई पानी में, अब वेट करते हैं बेट का कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट अगेन बहुत मुश्किल है भाई, इतना पेशेंस मेरे में तो नहीं है, ये लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं फिशिंग। तो दोस्तों आज का फिशिंग अटेम्प्ट तो रहा हमारा बिल्कुल खाली, आए तो हम बहुत उम्मीदों से थे कि आज कुछ तो मछली पकड़ेंगे, बट हमारे पास आई नहीं एक भी। आते हैं फिर किसी और दिन, मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, आज अनफॉर्चुनेटली हम खाली हाथ वापस जाएंगे, कुछ नहीं पकड़ पाए। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, दैट हेल्प्स अस।